हम लगातार ओवरलोडिंग को लेकर जो है अवेयरनेस भी कर रहे हैं और डोडा और किश्तवाड़ में पुलिस जो है वो लगातार इस पर कार्रवाइयां भी कर रही है। इसी सिलसिले में डोडा पुलिस का जो सब डिवीजन गुंदो है वहां पर एक ओवरलोडेड जो गाड़ी है उसको जो है सीज किया गया है और ड्राइवर के खिलाफ FIR जो है वो रजिस्टर की गई है और इस गाड़ी में जो है वो 9 लोग जो है वो ओवरलोडेड सवार थे और हमारे पास विजुअल्स भी आए हैं इस गाड़ी के जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खिड़कियों से जो है वो लटक रहे हैं और जो गाड़ी है वहां पर जो है वो दरवाजे के साथ लटक रहे हैं और अंदर से जो बीच वाला जो रास्ता होता है जो चलने के लिए मेटाडोर या गाड़ी में होता है वो भी जो है वो पैसेंजर से भरा हुआ है। मैं बता दूं कि डोडा पुलिस ने जो FIR रजिस्टर्ड की है वो FIR नंबर 81/2024 अंडर सेक्शन 281 125 BNS और 194A मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है पुलिस स्टेशन गुंदो में जो है वो FIR रजिस्टर की है और इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। मैं बता दूं कि ये गाड़ी जो है वो मेटाडोर है जिसको सीज किया गया है और ये गाड़ी का नंबर जो है JK06A सेंती नड़न में जिसका ड्राइवर जिसके खिलाफ पर्चा दिया है उसकी पहचान जाकिर हुसैन साना मोहम्मद सेन रेजिडेंट ऑफ कैंचा बिटोला तहसील कराह का रहने वाला है, यानी कि ये भी उसी जो है वो इलाके का रहने वाला है और पुलिस के मुताबिक जो ये लोग हैं उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि फलानी नंबर की गाड़ी जो है वो रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग करे जिसकी वजह से जो है लोगों की जानों को जो है वो खतरा है और ये गाड़ी जो है वो ओवरलोड है। इसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी को जो है वो इंटरसेप्ट किया है और उसके बाद जब इसको चेक किया गया इसमें 9 सवारियां जो है वो सिटिंग कैपेसिटी से ज्यादा जो है वो पाई गई है जिसमें FIR जो है वो लगाया गया है। हम लगातार जो है वो इस बात को लेकर अवेयरनेस कर रहे हैं, खासतौर पर जो गुंदव है हमारा किश्तवाड़ है जो डोडा है ये काफी हिली एरिया है, इस पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो मिलकर कार्रवाइयां कर रहे हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह जो है वो पुलिस नफरी रखे हर हर दो दो चार चार किलोमीटर के बाद। यानी कि जैसे अगर कोई गाड़ी द्रावशाला नाका को क्रॉस करती है फिर शालीमार तक जो है वो कोई नहीं है चौकी वगैरह, इसलिए वे उस चीज का फायदा उठाकर जो है वो फिर ओवरलोडिंग करते हैं। इसी तरह से अगर शालीमार नाका पे भी जरूरी नहीं है कि हर गाड़ी को रोका जाए क्योंकि गाड़ियां इतनी नेशनल हाईवे पे चलती है कि उसको रोका जाए। इसी तरह से गुंदव जो है वो एक पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर भी ओवरलोडिंग की खबरें मिलती है छात्रों से पाडर से और आज यहां तक कि जो यात्री गाड़ियों की से भी जो है वो हमें जो वहां पर लोग हैं उसको जो है वो ओवरलोडिंग हो रही है। कल भी जो है वहां पर ओवरलोडिंग को क्रैप करने के लिए यहां से एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जरिए जो है एक स्टेप उठाया था, कुछ गाड़ियां यहां से भेजी थी लेकिन वहां पर कुछ लोग और एजेंट जो है उन्होंने उन ड्राइवरों को असल्ट भी किया था जिस तरह की कल की रिपोर्ट आई थी पाडर से। अभी ये पता नहीं है कि क्या पुलिस ने उस पर एक्शन लिया है कि नहीं लिया है, अभी हमें देखने की जरूरत है, उस पर एक्शन लेने की जरूरत है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट कर रही है क्योंकि यात्रा जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और लोकल जो वहां के लोग हैं वो लोडिंग कर रहे हैं जिसको रोकने के लिए, क्योंकि हादसा जब होते हैं फिर सब पर सवाल उठते हैं, इसलिए यहां से जो है वो कुछ गाड़ियों को वहां पर जो है वो मजबूरन भेजा गया था लेकिन वहां पर फिर उनके साथ जो है उन पर असल्ट भी हुआ, उनके साथ मारपीट भी हुई और उनके धक्का धुक्की भी हुई और बाकी चीजें भी हुई। अभी इस पर पुलिस ने जो है वो कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं इशू किया है, हालांकि सोशल मीडिया पर जो है वो कुछ वीडियोस भी जो है वो वायरल है, हम चाहेंगे उसकी तरफ भी देखें, जो भी ओवरलोडिंग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये नहीं है कि कुछ लोगों ने पिछले दिनों बताया था कि यात्री गाड़ियों को जो है वो चालान किए जा रहे हैं, यात्री गाड़ियों को भी चालान किए जाएंगे चाहे दरगाह पे आएंगे यात्री पे आएंगे, लेकिन जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक ड्राइवर जिसकी 8 की कैपेसिटी है गाड़ी में सैंक्शन है वो 20 जो है वो बिठाए सवारियां और फिर यात्रा के नाम पर जो है वो ब्लैकमेलिंग करें या एक प्रोपागंडा करें, क्योंकि जब बाद में हादसे होते हैं हमारा जो है वो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, फिर हमारे यहाँ दो दो दर्जन लोग जो है वो उस उन हादसों में जो है वो फिर मारे जाते हैं और फिर हम सब लोग हाथ मलते रहते हैं। इसलिए मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो ओवरलोडिंग ना करें और सबसे बड़ी बात यह है कि
फोन का इस्तेमाल ड्राइवर को ना करने दे, क्योंकि आजकल यात्रा का सीजन है और हमारे यात्री बाहर दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट आ रहे हैं मचेल यात्रा के लिए, और हमें अगर हादसे रोकने हैं तो लोगों को भी जो है वो कुछ कॉपरेट करना चाहिए, यानी कि जो पैसेंजर बैठते हैं गाड़ी में उनको भी जो है वो ड्राइवर को इस तरह के फोन करने से जो है रोकना है, ओवर स्पीड होने से रोकना है, कि अगर वो तेज चलाता है या रेस लगाते हैं कुछ ड्राइवर उसको देखने की जरूरत है। अभी ये जो लेटेस्ट जो है गुंदा पुलिस का एक्शन है, इस तरह के और भी एक्शन जो है वो जरूरत है, जो भी गाड़ी ओवरलोडिंग करेगी या ओवर स्पीड करेगी या ट्रैफिक वायलेशन करेगी उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना जो है वो तय है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।